हेलो व्हाट्सएप गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग अपने वीडियो को वंडर शेयर फिल्मोरा से कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर वंडर शेयर फिल्मोरा का ये कुछ इस तरह का लोगो या आइकन दिखा, इस पर क्लिक कर देना है। ये ओपन हो रहा है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ओप्पो यहाँ पे लिखा है कि बैकअप है बिन, तो यहाँ पे और नॉट कैंसिल कर देना है। अगेन यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आता है क्रिएट न्यू। अब क्रिएट न्यू का मतलब क्या हुआ, जिससे कि यहाँ पे आप लोग रेशियो एक्सेप्ट जो होता है उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। ऊपर में एक एक्सपेक्ट रेशियो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग रेशियो दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप लोग कोई YouTube वीडियो के लिए बनाना चाहते हैं फुल, तो ये आपको ऊपर वाले पर क्लिक करना है। नीचे में आपको एक Instagram के लिए बनाना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर मोबाइल पोर्ट्रेट इमेज जिस मीन्स खड़े बनाना चाहते हैं तो आपको 9:16 वाला करना है, ठीक है। अगर कोई स्टैंडर्ड करना है कोई चीज़ तो उसके लिए 4:3 करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है बिजनेस के लिए, कोई आप लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 3:4 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं YouTube के लिए बनाना चाहूँगा तो फर्स्ट वाले पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आया है जहाँ पर यहाँ पर लिख रहा है कि फिल्मोरा वर्क थ्रू, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे थ्रू जो है कि यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इस वीडियो को पहले यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है ड्रैग करने के लिए, ठीक है। इस पर मैं क्लिक दबा कर और लिया गया, यहाँ से ड्रैग कर दूँगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये ड्रैग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। अब इसी तरह से बहुत सारे इफेक्ट ये दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ उसको ऊपर में, यहाँ पर ये रहा ये ड्रैग। अब जैसे कि इस वीडियो में ये इफेक्ट लग चुका है, मैं थोड़ा सा आपको चला कर दिखाता हूँ। जैसे कि ये और मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे लेकर जाता हूँ और आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये वीडियो कैसे चलता है, राइट। यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट एक बार और करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज, पहले हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे रेंडरिंग कर रहा है, एक्सपोर्टिंग एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये राइट ओपन फोल्डर कर रहा है, तो यहाँ पे ओपन नहीं क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज़ है मीडिया। अब मीडिया में आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ जो अपने फाइल से यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन को आप लोग को ये देखिए मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे स्टॉक मीडिया दिया गया है जहाँ पे आपको खुद का कोई भी स्टॉक रहेगा, जैसे कि बहुत सारे वीडियो फुटेज फोटोज आप देखिए डाउनलोड पर जो क्लिक किए रहेंगे डाउनलोड किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे ऊपर शो करेगा। नीचे में पिक्सल है, यहाँ पे ग्राफ गिफ है, पिक्सल वे यहाँ पे ऐड किए गए हैं और यहाँ से आप लोग किसी भी वीडियो को क्लिप को ऐड कर सकते हैं विदाउट फ्री, राइट। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग कोई भी ऑडियो अपने फाइल से यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ लाइब्रेरी भी दिख जाता है और यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी दिख जाते हैं। आप लोग यहाँ से वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ से आप लोग जो है कि बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं जो यहाँ पर अगर माई म्यूजिक में जाएंगे तो आपको खुद का यहाँ पर जो इम्पोर्ट किए रहेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटल। आप लोग किसी भी वीडियो में टाइटल लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको टाइटल बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि नॉट कनेक्टेड इंटरनेट, इंटरनेट यहाँ पे रहेगा तो आपको टाइटल बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट है, ट्रांजिशन भी यहाँ पे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इफेक्ट में सिर्फ आपको मिल रहा है। यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट जैसे हम लोग इंटरनेट को ओपन करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आता है, एलिमेंट में आप लोग को बहुत सारी चीज़ दिखती है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस करते हैं कि कैसे हम लोग इसको बारी बारी से कट करें और स्प्लिट करें और क्रोपिंग करें। तो नेक्स्ट आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन जहाँ पर नंबर वन ये काउंट करता है कि नंबर वन में एक प्रोजेक्ट है जो लेयर बोलते हैं जिसको, अब इसमें आप लोग चाहते हैं आवाज़ को म्यूट करना या ट्रैक को हाइड करना, जैसे कि ये हाइड हो चुका है। यहाँ पे अगर म्यूजिक को आप लोग इसको हाइड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, ये म्यूजिक हाइड नेक्स्ट। ये अगर इस प्रोजेक्ट को आप लोग लॉक करना चाहते हैं ताकि आपको कोई अलग से प्रोजेक्ट इसमें ऐड किए हैं उसको कट करना है तो
कहीं अलग न दब जाए उसके लिए, डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए लॉक कर देना है, राइट। चलिए अनलॉक, इस पर क्लिक करेंगे अनलॉक हो जाएगा, ये अनलॉक, राइट। मैं यहाँ से करता हूँ अनजू और अनलॉक पर क्लिक करिए एक बार, ये अनलॉक हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम लोग कहाँ से कट करना है। पहले हम लोग ओवरव्यू यहाँ पे सब कुछ जान लेते हैं, ये सब क्या चीज़ है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक अंडू का ऑप्शन मिल रहा है, ये है आपको ये अंडू। अब जैसे इस पर आप लोग जाते हैं तो कंट्रोल जेड दबाएंगे, अंडू हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पाएंगे, रेंडू करना है तो कंट्रोल वाई करेंगे, ये रेंडू, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है ये बॉक्स, ये क्या है, ये है डिलीट। जिसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जितनी सारी ऑप्शन है ओपन हो जाते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लोग कंट्रोल यहाँ पे डी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है नीचे आपका लेयर, ये डिलीट हो जाएगा। नीचे में एक स्प्लिट, अगर आप लोग कंट्रोल बी कर देते हैं तो ये बीच से कट जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल बी कर रहा हूँ, ये बीच से दो आधी हो चुका है, देख सकते हैं दो आधी यहाँ पे दो क्लिप हो चुका है। फिर आप लोग को कंट्रोल बी करना है, ये दो आधी हो जाएगा। आप लोग जहाँ ये टाइम लाइन पर लेके जाएंगे वहाँ से कट करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए हमको कट करना है, बस कंट्रोल बी, ये स्प्लिट हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। एक आपको यहाँ पे एक्शन ये दिखता है, ये क्या है, ये आप लोग इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये क्रोपिंग करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि ये क्रोप कर सकते हैं कहीं से आप लोग, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोपिंग करना है। आप लोग अपने हिसाब से क्रोप कर सकते हैं, यहाँ पे रेशियो दिया गया है कौन सा रेशियो में, जैसे कि ये करना है इसमें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये क्रोपिंग का ऑप्शन है। आप लोग यहाँ पर प्रीसेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर रेशियो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग टेस्ट लिखना चाहें तो आप लोग यहाँ से टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पे टेस्ट का ये ऑप्शन आ जाता है और आप लोग इसमें जो भी लिखना चाहें, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा क्लिक करना होगा इस पर, आप लिखना होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको ये बोले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे कलर को हम लोग थोड़ा से ब्लैक करते हैं ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एडवांस चीज़ें दिए गए हैं, जैसे कि स्केल क्या करना है भाई, ये स्केल, ये स्केल में थोड़ा सा जूमिंग होगा, स्केल कितना आप लोग रखना चाहते हैं, 50-40 आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पर रोटेट है, बहुत सारे ऑपेसिटी है, ये ऑपेसिटी को आप लोग कितना करना चाहते हैं ये, ठीक है। ओपेसिटी डार्क, यहाँ पे ब्लेंडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक टाइमिंग इनपुट ड्यूरेशन का ऑप्शन देगा, जहाँ पे आप लोग अपने टाइमिंग को फिक्स कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, हम लोग जाते हैं यहाँ, ये ऑप्शन आप लोग जैसे प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोग एक ट्रैक का ऑप्शन आता है, जहाँ पे ट्रैक को ऐड कर सकते हैं, ट्रैक को हाईलाइट कर सकते हैं और यहाँ पे ओपन ट्रैक्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लॉक ऑल ट्रैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस पर क्लिक करने के बाद, राइट। ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है जिसको हम लोग ये बोलते हैं क्लोज रीपर, या रीपर बोलते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कहीं कट करें और उसको कट करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि मतलब इसको टाइम लाइन पर लेकर आएँ और वो भी परफेक्ट, कोई आगे ना पीछे, तो